गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अब हम बात कर रहे हैं बीकानेर का इतिहास, और बीकानेर के इतिहास के संबंध में आज ये अपना अंतिम वीडियो होगा। आज हम बात करेंगे बीकानेर के सबसे महत्वपूर्ण शासक या सबसे लोकप्रिय शासक, जिनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, यानी कि महाराजा गंगा सिंह। जब गंगा सिंह का नाम आता है, बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं हमारे दिमाग में एकदम से दृष्टिगोचर होने लगती है। इनके साथ बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी हुई है। हालांकि गंगा सिंह बीकानेर के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उससे कुछ समय पहले ही 1943 ईस्वी तक बीकानेर में गंगा सिंह का राज हुआ करता था। इन्होंने लोकप्रियता की कई पायदान चढ़ी। ये सिक्के का एक पहलू है, और दूसरा पहलू ये कि जिस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस दौरान गंगा सिंह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने बीकानेर रियासत की जनता पर बहुत अत्याचार भी किए थे। हालांकि ये बात सच है कि काफ़ी लोकप्रिय शासकों में इनका नाम आता है, लेकिन ये भी सच है कि इन्होंने अंग्रेज़ों के पक्ष में देसी रियासतों में होने वाले जितने भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष थे, उन सबको दबाने का बरसक प्रयास इन्होंने किया था, और इन्होंने अंग्रेजों की खूब सेवा की। इन्हीं गंगा सिंह के ऊपर आज अपन बात करेंगे। आपसे निवेदन, अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। चलिए अपन शुरुआत करते हैं महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह का शासनकाल बीकानेर में 1887 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक रहा, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक, 56 साल तक बीकानेर पर इन्होंने राज किया। और एक कैसा संयोग है कि 56 साल इन्होंने राज किया, और इन्हीं के शासनकाल में छप्पनिया अकाल भी पड़ा था, जो विक्रम संवत 1856 में हुआ था, उसको हम छप्पनिया अकाल कहते हैं। और इन्होंने विक्रम संवत 1956 की बात है, 1956 में पड़ा था, और इन्होंने भी 56 वर्ष ही शासन किया था। खैर, ये एक संयोग है। चलिए, गंगा सिंह की शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज में संपन्न हुई। मेयो कॉलेज जो आज भी संचालित है, उस मेयो कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। जो प्रारंभिक शिक्षा थी इनकी कॉलेज स्तर तक की, वो सारी शिक्षा मेयो कॉलेज में संपन्न हुई, और इसके लिए पंडित रामचंद्र दुबे को इनका शिक्षक नियुक्त किया गया। गंगा सिंह के पिता थे लाल सिंह। लाल सिंह ने इनको रामचंद्र दुबे के हाथों में सौंप दिया, और इनको शिक्षक नियुक्त करने के बाद प्रारंभिक शिक्षा इनकी देखरेख में हुई, और उसके पश्चात इन्हीं की देखरेख में इनको अजमेर भेज दिया गया। इन्होंने देवली की सैनिक छावनी से सैनिक शिक्षा भी प्राप्त की थी। हमें जानते हैं टोंक के देवली में एक सैनिक छावनी हुआ करती थी, उसी देवली की सैनिक छावनी से, याद हो आपको 1857 का जो संग्राम हुआ था उसमें देवली भी शामिल था। हमारे यहाँ पर जो 6 सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी, उनमें देवली एक छावनी थी, और उसी सैनिक छावनी से महाराजा गंगा सिंह ने भी सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। 1927 ईस्वी में सिंचाई के लिए गंग नहर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। 1927 में गंग नहर लाने का श्रेय, गंग नहर निर्माण करने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को दिया जाता है। इस गंग नहर का निर्माण उन्होंने 1927 ईस्वी में करवाया था। यह नहर राजस्थान में खक्का नामक स्थान, जो गंगानगर जिले में स्थित है, खक्का नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। पंजाब से होते हुए ये राजस्थान में गंगानगर जिले में खक्का नामक स्थान पर प्रवेश करती है। इस गंग नहर लाने के कारण से ही गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ
कहा जाता है। और इस गंग नहर के कारण से ही गंगानगर जिले की तस्वीर बदल गई। आज इसी कारण से गंगानगर को राजस्थान का पंजाब और अन्न का कटोरा कहा जाता है। तो इसका सारा का सारा जो श्रेय है वो गंगा सिंह को दिया जाता है। हालांकि प्रारंभिक रूप में 1927 में गंग नहर राजस्थान के गंगानगर में आई और उसके पश्चात इंदिरा गांधी नहर भी राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। खैर, इन दोनों नहरों ने गंगानगर की नहीं पूरे रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि को ही बदल कर रख दिया है। गंगा सिंह ने गंगानगर नामक कस्बा बसाया, जो वर्तमान का गंगानगर जिसे हम कहते हैं, जो एक जिला मुख्यालय भी है, उस नगर का नाम महाराजा गंगा सिंह के नाम पर रखा गया। इससे पहले गंगानगर को रामनगर या रामू की ढाणी के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, गंगानगर नामकरण किए जाने से पूर्व गंगानगर को रामनगर या रामू की ढाणी के नाम से जाना जाता था और महाराजा गंगा सिंह के नाम पर इसका नामकरण गंगानगर किया गया। इनके समय विक्रम संवत 1956 जो 1899 1900 ईस्वी था में भीषण अकाल पड़ा, जिसे छप्पनिया अकाल कहते हैं। यानी कि विक्रम संवत 1956 की बात कर रहे हैं। विक्रम संवत 1956 जो ईस्वी सन के हिसाब से 1899 1900 ईस्वी था, उस समय राजस्थान में एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा, बहुत भीषण अकाल पड़ा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे और ये राजस्थान के इतिहास में छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। छप्पनिया अकाल 1956 में ये अकाल पड़ने के कारण से छप्पनिया अकाल कहलाया। याद रखें, 1956 विक्रम संवत की बात करें और ईस्वी सन के हिसाब से ये 1899 1900 ईस्वी। आज अगर 2021 ईस्वी चल रहा है तो इसका मतलब ये लगभग 121 साल पहले की घटना है। इस समय इन्होंने कई अकाल राहत कार्य करवाए तथा गजनेर जिल का निर्माण करवाया था। जब ये छप्पनिया अकाल पड़ा था तब जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, ताकि वो भूखे नहीं मरे, इन्होंने कुछ राहत कार्य चलाए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण राहत कार्य था गजनेर झील का निर्माण करवाना। गजनेर झील के माध्यम से लोगों को, बीकानेर की जनता को रोजगार इन्होंने प्रदान किया था। गंगा सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की खूब सेवा की। यानी कि सत्ता संभालने से लेकर जब तक ये अपने पद पर रहे तब तक इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की। मैंने आपको बताया था कि लगभग 56 साल तक इन्होंने राज किया और 56 साल तक इन्होंने ब्रिटेन की सेवा की थी। अंग्रेजों के लिए यूरोपीय पद्धति से युक्त सेना का गठन किया जो अंग्रेजों के हित में भेजी जाती थी, से गंगा रिसाला यानी कि कैमल कोर कहा जाता था। इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा, ये सवाल भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गंगा सिंह ने एक सेना का निर्माण किया था अंग्रेजों के लिए, जो अंग्रेजों के लिए ही थी, अंग्रेजों के लिए ही लड़ती थी और जहां आवश्यकता होती थी अंग्रेजों को वो सेना वहां पर भेजी जाती। यह सेना पूरी तरह से यूरोपियन पद्धति पर आधारित थी। इसको कैमल कोर या गंगा रिसाला नाम दिया गया था। इस गंगा रिसाला में 500 ऊंट सवार थे जो यूरोपियन बंदूक से लैस थे और वो ब्रिटेन के लिए या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए युद्ध के लिए जाती थी। और आश्चर्य की बात ये कि आज इतने सालों के बाद लगभग 126 साल हो गए इसके गठन को, इतने सालों के बाद आज भी गंगा रिसाला मौजूद है। आज इसे भारतीय सेना में 13वीं गजेटियर गंगा रिसाला कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, गंगा रिसाला आज भी मौजूद है, आज भी वो भारतीय सेना में कार्य कर रही है। 13 गजेटियर गंगा रिसाला के नाम से आज भी वो जाने जाते हैं, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने यूरोपियन पद्धति के आधार पर किया था, जिसमें 500 ऊंट सवार हुआ करते थे, जो कैमल कोर या गंगा रिसाला कहा जाता था।
चीन के बॉक्सर विद्रोह में गंगा सिंह स्वयं अपनी गंगा रिसाला के साथ कंपनी की सेना के साथ गए थे। यानी कि स्वयं गंगा सिंह भी जब चीन का बॉक्सर विद्रोह हुआ था तो उस बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सेवा में खुद अपनी गंगा रिसाला की सेना को लेकर चीन गए थे। राजस्थान के राजपूत शासकों में एकमात्र शासक जिसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसको रट लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी गया है कि राजस्थान के एकमात्र शासक जिन्होंने ब्रिटेन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। आपको याद होगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की गुत्थी को सुलझाने के लिए ब्रिटेन में कांग्रेस को आमंत्रित करते हुए भारतीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तीन सम्मेलन हुए थे और तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र शासक थे, रियासत के सरदार, रियासत के राजा वो थे गंगा सिंह, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। राजपूत रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। याद रखिएगा राजस्थान के एकमात्र शासक गंगा सिंह थे जो ब्रिटेन में आयोजित, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। पेरिस के शांति सम्मेलनों में वर्साय संधि में भाग लेने वाला भारत का एकमात्र शासक गंगा सिंह था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। वर्साय संधि कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब विजेता राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के ऊपर वर्साय नामक स्थान जो ऑस्ट्रिया में है वहां पर एक संधि संपन्न हुई थी विजेता राष्ट्रों और पराजित राष्ट्रों के बीच में, जो इतिहास में वर्साय की संधि के नाम से जाने जाते हैं। 1919-1920 में संधि संपन्न हुई थी और उस शांति वार्ता में, जो शांति सम्मेलन उस समय आयोजित हुए थे, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संधियां संपन्न की गई थी, उन शांति सम्मेलनों में भारत की तरफ से भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जो वर्साय की शांति संधि में शामिल हुए थे भारत की तरफ से। भारत स्वयं शामिल था, बल्कि ये एक प्रकार से प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। 1921 ईस्वी में भारतीय राजाओं को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जिसमें गंगा सिंह को प्रथम चांसलर बनाया गया। यानी कि ये अंग्रेजों की एक प्रकार से पहल थी कि ये भारतीय साम्राज्य, जितनी भी देशी रियासतें थी भारत में, 600 से भी ज़्यादा देशी रियासतें थी, इन देशी रियासतों के शासकों को साम्राज्य में भागीदारी दिलाने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य में भागीदारी दिलाने के लिए एक नरेंद्र मंडल नामक संस्था की स्थापना 1921 में की गई थी। ये ब्रिटेन के द्वारा की गई थी 1921 में, इसको नाम दिया गया था नरेंद्र मंडल, और इस नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बनाए गए थे गंगा सिंह। हम यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष तो महारानी, ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी वो थी, और इनको एक प्रकार से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था जो चांसलर के नाम से जाना जाता था। तो नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर रहे थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ये इस पद पर 1921 से 1925 तक रहे, लगभग 4 साल से भी ज़्यादा समय तक वो इस पद पर बने रहे थे नरेंद्र मंडल के चांसलर के रूप में। ये तथ्य भी याद रखेगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। इसके अलावा वास्तुकार जेकब के नेतृत्व में यूरोपियन पद्धति पर आधारित लाल महल, लालगढ़ महल का निर्माण अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया। ये भी तथ्य याद रखेगा कि महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में लाल बलुआ पत्थरों से एक शानदार महल का निर्माण करवाया जो लालगढ़ महल के नाम से जाना जाता है, और गंगा सिंह के पश्चात जितने भी शासक हुए उन्होंने जूनागढ़ के स्थान पर लालगढ़ से ही शासन किया। उनका राज्याभिषेक भी लालगढ़ में हुआ करता था और पूरा का पूरा राज परिवार जूनागढ़ से लालगढ़ में शिफ्ट हो गया था, और गंगा सिंह ने
इस लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में। ये पूरा का पूरा जो लालगढ़ महल है ये यूरोपियन पद्धति पर आधारित है, क्योंकि इसके जो वास्तुकार थे जिन्होंने इसका नक्शा बनाया था, जिन्होंने या जिनकी देखरेख में ये पूरा का पूरा महल तैयार किया गया था, वो थे वास्तुकार जैकब। इन्होंने ही इसका नक्शा और इसको डिजाइन किया था और ये लालगढ़ महल के नाम से आज भी देखा जा सकता है, जो गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। 1910 ईस्वी में बीकानेर राज्य में आधुनिक न्याय विभाग का गठन किया। आज चलो आज़ादी के पश्चात न्याय का पूरा ढांचा बदल गया, हमारे संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू हो गई और संविधान में जो चीज़ें लिखी गई है उनके अनुसार हमारा न्यायिक ढांचा स्थापित हो गया, लेकिन जो वर्तमान का न्यायिक ढांचा है उसी से मिलता जुलता एक न्यायिक ढांचा 1910 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था बीकानेर। हम यूँ कह सकते हैं कि बीकानेर में आधुनिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करने वाले, न्याय व्यवस्था का गठन करने वाले पहले शासक बने थे महाराजा गंगा सिंह। इन्होंने जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, मुंशिफ न्यायाधीश जैसे पदों की संरचना की थी और न्याय विभाग को नए सिरे से गठित किया था। गंगा सिंह को बीकानेर राज्य के आधुनिक न्याय पद्धति का जनक कहा जाता, इसी कारण से बीकानेर का आधुनिक न्याय पद्धति का जो जनक है वो गंगा सिंह को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आधुनिक समय को ध्यान में रखते हुए न्याय विभाग की स्थापना बीकानेर में की थी और इसीलिए इनको आधुनिक न्याय पद्धति का जनक कहा जाता है। गंगा गोल्डन जुबली नामक म्यूजियम की स्थापना की, आज भी इसको गंगा थिएटर के नाम से जाना जाता है, गंगा गोल्डन जुबली नामक म्यूजियम। एक और म्यूजियम जो वर्तमान म्यूजियम चौराहे पर बना हुआ है उसकी भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, इसका भी नाम गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय रखा गया है, वो आज भी स्थापित है, जिसमें कालीबंगा सभ्यता से लेकर के वर्तमान तक के जो विशेष रिकॉर्ड है वो देखे जा सकते हैं। याद रखिएगा जो बीकानेर का राजकीय संग्रहालय है जिसको गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय भी कहा जाता है वो कालीबंगा के अवशेषों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बीकानेर के लाल सिंह स्वयं कभी राजा नहीं बने बल्कि इनके पुत्र डूंगर सिंह तथा गंगा सिंह राजा बने। अभी अपन अगर पिछले वीडियो की बात करें उनमें अपन ने एक चर्चा की थी महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह की जब मृत्यु हुई थी उनके कोई संतान नहीं थी। इसके कारण से बीकानेर का जो शासन है वो जो बीकानेर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल बर्टन उनके हाथ में चला गया और उन्होंने फिर आखिरकार सरदार सिंह के भाई लाल सिंह, सरदार सिंह जो राजा हुआ करते थे उनके भाई थे लाल सिंह, उनके बड़े बेटे डूंगर सिंह, जब महारानी ने डूंगर सिंह को अपने पुत्र के रूप में गोद लिया था तब जाकर वायसराय की आज्ञा से डूंगर सिंह को सबसे पहले बीकानेर का राजा बनाया गया। सरदार सिंह की मृत्यु के बाद कुछ समय तक बीकानेर का जो शासन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहा, ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहा। कर्नल बर्टन ने यहाँ पर शासन किया, फिर वायसराय की अनुमति लेकर जब महारानी ने, सरदार सिंह की विधवा महारानी ने जब लाल सिंह के पुत्र डूंगर सिंह को गोद ले लिया था तब उनको आखिरकार बीकानेर का राजा घोषित किया और डूंगर सिंह की मृत्यु के पश्चात डूंगर सिंह के छोटे भाई महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के अगले शासक बने। इसलिए लाल सिंह कभी शासक नहीं बन पाए बल्कि इनके दोनों बेटे डूंगर सिंह और गंगा सिंह ये बीकानेर के राजा बने थे, क्योंकि सरदार सिंह के भाई हुआ करते थे लाल सिंह। खैर ये है गंगा सिंह और ये है बीकानेर का इतिहास। आज बीकानेर का इतिहास पूर्ण होता है। बीकानेर के इतिहास के संबंध में हमने जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए बीकानेर रियासत में, राव बीका से प्रारंभ होकर राव लूणकर्ण राव, जैत सिंह, राय सिंह जैसे व्यक्ति और एक और महत्वपूर्ण गंगा सिंह, इन समस्त शासकों का वर्णन और समस्त घटनाओं का वर्णन हमने किया है बीकानेर के इतिहास में। अगर कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और जो भी आपकी क्वेरी हो उसका निदान अवश्य किया जाएगा। आपसे पुनः निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
अगले वीडियो में मिलेंगे अपन राजस्थान की एक और रियासत के इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।